नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में और आज हम बात करेंगे जो कल टेक्सस स्कूल शूटिंग हुई है उसके बारे में जिसमें टोटल 21 लोगों की मौत हो गई बहुत ही दुखद दुर्घटना में और जिसमें से 19 बच्चे थे जिन्हें एक यंग बच्चे ने उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक 18 साल के लड़के ने गोली मार दी तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या यू का रिएक्शन है क्या बाकी देशों का रिएक्शन है और क्या इसमें प्रोग्रेस चल रही है तो ये जो डेडलीस्ट यूएस स्कूल किलिंग हुई है और दुनिया भर के न्यूज़ पोर्टल्स या न्यूज़ एजेंसीज़ और आर्टिकल्स इसके ऊपर छप रहे हैं लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं जान रहे हैं और जो जो जो, जो लोग इन इसके इस इंसिडेंट के बारे में जानते जा रहे हैं उन वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से कोई ट्विटर के माध्यम से या कोई वीडियो के माध्यम से और ये आर्टिकल आप देख सकते हैं कि इसमें बाइडन जो बाइडेन भी इसमें काफी दुखित हो गए और उन्होंने उस आ, कानून के बारे में ही सवाल खड़े कर दिए जो जिसकी जो मेन मुद्दा है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि वो कौन सा कानून है है जिसकी वजह से ये जिसने काफी एक अहम रोल निभाया है इस शूटिंग में और ये आर्टिकल है आप देख सकते हैं कि यू यूएस स्कूल किलिंग इन नियरली कॉल फॉर एक्शन उन्होंने कहा है कि आखिर हम कब तक चुप बैठ रहेंगे इस इन सबके ऊपर और हम गन लॉबी के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं और 19 इसमें शहीद हो गए मारे गए काफी कम उम्र के थे और उनको बचाते हुए दो टीचर्स की भी इसमें मौत हो गई और ये आप आर्टिकल देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का जिसमें जो बाइडेन कह रहे हैं कि वेन इन गॉड्स नेम आर वी गोइंग टू स्टैंड अपन टू द गन लॉबी तो ये गन लॉबी का क्या सीन है और इसके ऊपर जो यू, यूएस के सीनेटर हैं उन्होंने भी वहाँ पर वाशिंगटन डीसी में जो संसद है उसके अंदर बोला है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बारे में कुछ करिए और कोई एक्शन लीजिए और इन्होंने ये भी कहा था एक वीडियो इनकी पब्लिश हुई थी जिसमें ये कह रहे थे कि दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा इतनी ईजिली जिसको गन अवेलेबल हो जाए और वो उसी गन से जाके उस उसी स्कूल में अपने साथ पढ़ने वाले छोटे बच्चों को मार दे ये सिर्फ एक यूएस में ही ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि बाकी कंट्रीज में अगर ऐसा होता भी है तो वहां पर आप दूसरे तरीके होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई बाहर वाला मारने आएगा आपको लेकिन जब स्कूल के अंदर ही अगर कोई साथ पढ़ने वाला बच्चा अगर ऐसी हरकत करे तो आप कैसे उससे प्रोटेक्ट कर पाएंगे और इसके जवाब में इंडियन जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट देना शुरू किया कि इंडिया को भी अपने जो कानून हैं जो आर्म्स से संबंधित हैं का जो कानून है उसमें कड़े कदम उठाने चाहिए और टेक्सस शूटिंग से उनको सबक लेना चाहिए ये पी चिदम्बरम जी ने कहा है कि भाई आप भी कुछ ऐसे कानून बनाइए क्योंकि जो एक होती है ना भावना हेट की दूसरों के प्रति गुस्से में आ जाना और गुस्से में आके गन उठा लेना जो आपने पीछे देखा होगा कई सारे दिल्ली दंगों में हुआ उस वक्त जो कॉन्विक्ट थे जो पकड़े गए उन्होंने मोस्टली ने ये बयान दिया कि भाई हम गुस्से में आ गए थे क्योंकि हमें लग रहा था कि ज्यादा हो रही है अन्याय हो रहा है या हमें दबाया जा रहा है तो ये सब ना हो इसके ऊपर कड़े कदम उठाए जाए इसलिए काफी सारे लोग इसमें आवाज उठा रहे हैं और ये कहना है चिदम्बरम साहब का के भाई देर आर नो वर्ड टू कंडेम दिस हॉरिफाइंग किलिंग ऑफ नाइन नाइनटीन फोर्थ स्टैंडर्ड चिल्ड्रन मतलब चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई और इस दुनिया में कोई शब्द नहीं है कि जो इसको हम वो कर सकें कंडेम कर सकें जिन शब्दों में कड़ी से कड़ी निंदा कर सकें और पूरी दुनिया जो है वो शोक मना रही है और अमेरिकन लोगों के साथ हैं हम और उनकी जो फैमिलीज है जो बच्चे इसमें मारे गए हैं उनके साथ हैं हेट स्पीच एंड हेट किलिंग्स थ्राइव कि ये इतना बढ़ता जा रहा है कि हमें इसके खिलाफ कदम उठाने पड़ेंगे इसको रोकने के लिए इस पागलपन को रोकने के लिए और पूरी दुनिया में ये फैल रहा है ऐसा उन्होंने अपने सीरीज ऑफ ट्वीट्स में कहा कि इसको रोकने का एक जो तरीका उन्होंने बोला कि बहुत ही कड़े तरीके उठाए जाएं बंदूक कंट्रोल करने के बंदूक का लाइसेंस वगैरह देने में और रिस्ट्रिक्ट किया जाए लोगों को कि कोई वेपन ना खरीद पाए या बहुत ही स्ट्रिक्ट एक मेजरमेंट हो कि भाई कौन खरीद सकता है कौन नहीं रख सकता अमेरिकन लॉज आर टू लूज टू इन दिस रिगार्ड उनका ऐसा मानना है कि भाई अमेरिकन लॉज जो है, वो काफ़ी ढीले हैं इस इस मामले में में और इंडिया को भी इस, इन मामलों में रिव्यू करना चाहिए और अपने जो कानून हैं हथियार रखने से संबंधित उनको काफी सख्त करना चाहिए और ये उन छोटे बच्चों की मासूम बच्चों की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं इसमें दो टीचर्स भी हैं जो इन बच्चों को कवर करते हुए या बचाते हुए शहीद हो गई मारी गई और एक एल्फर्ड यूनिवर्सिटी है इन्होंने एक रिसर्च की थी कि आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं आखिर ये शूटिंग जो करते हैं बच्चे इनके पीछे कारण क्या होता है तो इसमें जो सबसे ज्यादा वोटिंग मिली वो इस बात को मिली के दे वांट टू गेट बैक एट दोस हु मतलब काफी बड़ी तादाद में लोगों ने इस बात को माना है कि भाई जिन बच्चों को बुली किया जाता है जिनको सताया जाता है जिनको बॉडी शेम किया जाता है या जो अकेले होते हैं समाज में मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं उनका कोई दोस्त नहीं होता वो वो लोग ज़्यादातर ऐसे कदम उठाते हैं शूटिंग करने वाले और मारने वाले क्योंकि उनको लगता है कि वो ऐसा करके एक बदला ले सकते हैं एक रिवेंज ले सकते हैं या एक जवाब दे सकते हैं उन लोगों को जो उनको बुली कर रहे थे अब ये वो लड़का है इसका नाम है सेल, सेल्वाडोर रैमोस ये 18 साल का था और इसने ये जो दो गन आप देख रहे हैं इस फोटो में ये इसने परचेज की थी और इसने ऐसा ऐसी भी खबर आई थी कि इसने स्कूल जाने से पहले अपनी जो इसकी दादी थी उनको भी गोली मार दी थी और उससे पहले इंस्टाग्राम पे इसने अपनी ये पिक्चर्स पोस्ट की थी इस गन्स की और अपनी ये फोटो और इसने उसमें लिखा था कुछ मैसेज देने की कोशिश की थी लेकिन किसी ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि ये ऐसा कुछ कर देगा और जब इसके बारे में इसकी मदर से बात की गई तो उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि जो शूटर था जो मेरा बेटा था वो वॉयेंट पर्सन नहीं था बिल्कुल भी और उन्होंने ये कहा कि वो टीन स्कूल मतलब टीन में था और अकेला रहता था उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था और काफ़ी अकेला अकेला रहता था तो इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि ये काफ़ी एक बड़ी वजह थी कि उसने अपना आपा खो दिया और मानसिक मानसिक संतुलन जो है उसका खराब हुआ और उसने ये कदम उठाया अब जो मैं आपसे शुरू में बात कर रहा था कि जो एक कानून है वो क्या है तो वो है यूएस का राइट टू बियर आर्म सेकेंड अमेंडमेंट इसके अनुसार जो यूएस के लोग हैं उनको आज़ादी है अपने पास गन रखने की वो इजीली गन खरीद सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए और उसे यूज कर सकते हैं अब ये सबसे बड़ा कारण है कि अगर गन आपके पास होगी किसी भी बच्चे के पास होगी तो जब भी अगर उसके साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है कि उसको गुस्सा आता है कोई लोग उसे बुली कर रहे हैं उसे परेशान किया जा रहा है तो वो उस गन का इस्तेमाल कर सकता है और ऐसा माना जाता है कि यू में आपको भले ही ड्राइविंग लाइसेंस ना मिले या फूड लाइसेंस ना मिले लेकिन गन का लाइसेंस मिलना बहुत ज़्यादा ईजी होता है बहुत ज़्यादा आराम से आप गन्स परचेज कर सकते हैं ओपन मार्केट में अवेलेबल हैं और इसी वजह से अब जो इस बच्चे ने जो किलिंग की थी इसके जैसे लोग काफ़ी सारी जगह पे अवेल होते हैं दुनिया में बहुत सारे लोगों का मानसिक संतुलन वैसा नहीं होता कि वो गुस्से को बर्दाश्त कर पाएँ या उसे सह पाएं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरे देशों में ऐसी घटनाएं इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पर ईजिल जो गन्स हैं या हथियार हैं वो अवेलेबल नहीं होते खरीदने के लिए अगर वहाँ हो तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है और ये आप ग्राफ देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो दो तक जितनी भी गन डेथ्स हुई हैं उनका ग्राफ है कि 2014 में कितनी हुई 15 में 16 में 17 में 18 में और 21 तक ये बढ़ता ही गया 20,726 हज़ार डेथ हुई हैं जिसमें गन्स डेथ का जो नंबर था वो सुसाइड सू, से भी ज़्यादा हो गया था छः सौ सिक्स नाइन्टी थ्री द नंबर ऑफ मास शूटिंग इंसिडेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो सिक्स नाइन्टी थ्री नंबर्स जो थे वो शूटिंग की वजह से हुए जो यू एस की पूरी जो टोटल आबादी है उसका थर्टी थ्री परसेंट लोगों के पास जो है गन्स अवेलेबल होती हैं जो उसकी आबादी का टू थर्ड माना जाता है और एटीन पॉइंट एट मिलियन ये जो एस्टिमेट नंबर है गन सोल्ड हुई है दो हज़ार इक्कीस में पिछले साल और इसके बारे में वैसे तो यू एस का काफ़ी सारे देशों के प्रति ये रवैया रहता है कि भई आप अपने देश में जो गवर्नमेंट चलाएं या जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो आपको कैसे करने चाहिए वो काफी ज्ञान देते हैं इस बारे में दूसरे देशों को लेकिन प्रॉब्लम असली ये है कि यूएस में इस वक्त उनके खुद के वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो यू एस गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक कितने बच्चों को अपनी जान गवानी पड़ेगी कब इन गन्स लॉज के अंदर चेंज होगा और अभी उनकी खुद वो खुद किसी कंडीशन में नहीं है जवाब देने के कि वो इस पर कोई ठोस कदम उठा पाएँ या कोई जवाब दे पाएँ क्योंकि वहाँ के जो लोकल नेटिवज़ हैं वो नहीं चाहते कि इन गन लॉज़ में किसी भी तरह का बदलाव हो क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यू में जो गन लॉज हैं यू के जो हैं वो अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं अगर उन उनसे वो आज़ादी छीन ली जाएगी गन रखने की तो वो उतना सेफ़ नहीं फील कर पाएंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए तो कुछ लोग इसके पक्ष में हैं कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका ज्यादा नुकसान ही हो रहा है बजाय फायदा होने के तो ये थी आज की वीडियो आई होप आपको इससे काफी नॉलेज मिली होगी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आपके क्या इस बारे में सुझाव हैं क्या आपके थॉट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बैलाइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिले तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए जय हिंद जय भारत